अज़ुबिल्लाह शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सभी ठीक ठाक हैं उम्मीद करता हूँ। अल्लाह पाक के फजल करम से सब चीज ठीक ठाक होंगे। तो आज जनरल नॉलेज का जो ये डेली क्विज है सेट नंबर 7 आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हुसैन आफ्ताब भट्ट जी की रिवियरी। ठीक है, तो फर्दर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो हमारा ये जो अभी सेट नंबर 7 है जीके का एंड इसका क्वेश्चन नंबर 21 शुरू कर रहे हैं। द नासा कैप्सूल डेट ब्रॉट टू द अर्थ द लार्जेस्ट एस्टेरॉयड सैंपल्स एवर कलेक्टेड वाज। तो ये अभी बता रहा है कि जो नासा का एक कैप्सूल था जिसने एस्टेरॉयड्स होते हैं ना, जो बहुत ही हेवी किस्म के पत्थर वगैरह जिसको कहते हैं, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी के अंदर, तो अगर वो किसी प्लैनेट से टकरा जाए तो वो उसको ख़त्म कर देते हैं। तो ये एक कैप्सूल था नासा ने बनाया था जो कि एस्टेरॉयड्स लेके आया था अर्थ पर फॉर एग्जामिनेशन में वेरीफिकेशन। उसका नाम ये था ओसीरिस रेक्स। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि जोंग 4G का सीईओ जो है चेयरमैन है वो है यून यो जुनली। तो ये बेसिकली जो है ना चाइना की कंपनी है, आपने वेल देखा होगा कि जोंग 4G चाइना मोबाइल कंपनी। द करंट चेयरमैन ऑफ द कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो चेयरमैन है वो है डॉक्टर कबीर अहमद सिद्धू। ठीक है, CCP इसका शॉर्ट फॉर्म है। द यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी कन्वेंशन वॉज एडोप्टेड इन द 1951। तो यूनाइटेड नेशन का जो एक रिफ्यूजी कन्वेंशन था, ठीक है, जो क्या कहते हैं रिफ्यूजीज होते हैं, जिसको क्या कहते हैं पनाहगीर वगैरह कहते हैं, ठीक है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में आने वाले रिफ्यूजी, तो उसको अडॉप्ट किया गया था 1951 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है द यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है, इज बेस्ड इन द स्ट्रासबर्ग। यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स है। ठीक है, फिर कहता है नेक्स्ट सवाल, गुड्डू पावर प्लांट जिसको हम सेंट्रल पावर जनरेशन कंपनी भी कहते हैं, ठीक है, गुड्डू पावर प्लांट, ठीक है, जो कि आई थिंक कहाँ पर है, सिंध के अंदर लोकेटेड है, सखर ब्रांच के अंदर ऊपर। इट वाज बिल्ट इन द 1980s विद द कोऑपरेशन फ्रॉम द यूएसएसआर यूनियन ऑफ द सोशलिस्ट सोवियत रशियन। USSR का फुल फॉर्म क्या होगा? ओके, लीव इट, आई एम सॉरी, मुझे अभी याद नहीं आ रहा USSR का शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, नेट भी नहीं चल रही तो उसको छोड़ देते हैं अभी, आप इसको फर्दर कर सकते हो रिसर्च वगैरह। कंपाला इज द कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ युगांडा। ठीक है, कंपाला इज द कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ युगांडा का एंड अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर आ जाता है। एडी अमीन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ युगांडा। ठीक है, एक प्रेसिडेंट था युगांडा का। देन कहता है कि द इनोग्रल क्रिकेट वर्ल्ड कप 1975 में इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, इनोग्रल मीन्स इफ्तिताही क्रिकेट वर्ल्ड कप जो इंग्लैंड में हुआ था 1975 में हुआ था। देन कहता है द फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप को होस्टेड बाय द इंडिया पाकिस्तान। तो इंडिया पाकिस्तान ने पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप को होस्ट किया था, मकसद दो कंट्रीज ने होस्ट किया, इसको को होस्ट कहेंगे, तो 1987 में किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है पाकिस्तान का जो एम्बेसिडर है रशिया रशिया की साइड, ठीक है, यहाँ पाकिस्तान का एम्बेसिडर टू रशियन फेडरेशन रशिया कंट्री के जो हमारा एम्बेसिडर है वो है हमारा मोहम्मद खालिद जमाली, मोहम्मद खालिद जमाली। ठीक है, द नेम ऑफ राजा ऑफ महमूद आबाद क्लोज ऑफ कायद आजम वाज। तो महमूद आबाद का राजा था, आप मिसा मान लें, उसका नाम क्या था? आमिर अहमद खान। याद रहे कि ये बंदा कायद आजम का एक करीबी दोस्त था, साथी था। शेख गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह गवर्नर ऑफ सिंध। ठीक है, पता है आपको। द फर्स्ट सेंसस इन इंडिया वाज कंडक्टेड इन द 1881। तो ये बाहर बच्चे खड़े हुए हैं तो ईश्वर मचा रहे हैं, पता नहीं क्या चीज़ हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 35, द फर्स्ट मैच ऑफ ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड 2023 ये प्ले की गई थी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान में। ठीक है, इंडिया में हुआ था ये वाला वर्ल्ड कप, किसने जीता? आपको पता है ऑस्ट्रेलिया ने, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया 6 बार ये वर्ल्ड कप जीत चुका है। ठीक है, एंड ओवर मिला के वुमेन मैच वुमेन जो टीम है क्रिकेट की ऑस्ट्रेलिया की और मेल, उन्होंने तकरीबन 20 या 19 बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीते हैं। एंड ऑस्ट्रेलिया की जो नेशनल गेम है वो है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की जो नेशनल गेम है वो है क्रिकेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है द इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द पॉल्यूशन फ्रॉम शिप्स जिसको हम मार्पोल कन्वेंशन कहते हैं, उसको अडॉप्ट किया गया था 1973 में। जैसे रिफ्यूजी कन्वेंशन जो था ना यूनाइटेड नेशन वाला, तो वो किया गया था कब, मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये वाला 1951 में इसको अडॉप्ट किया गया था।
देन कहता है कि फर्स्ट एलिवेशन ऑफ 7,500 फीट द वर्ल्ड हाईएस्ट कोल्ड डिजर्ट सरफरंग का, तो इसकी हाइट है 7,500 फीट, वर्ल्ड का हाईएस्ट कोल्ड डिजर्ट है, ठीक है। इसमें सवाल आ जाते हैं, डिजर्ट में सवाल ये आते हैं कि भाई जो है ना हाईएस्ट मकसद है, सबसे बड़ा डिजर्ट कौन सा है, कहाँ पर है, कौन से में, वो ठंडा है गर्म है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एंटार्कटिका, भी उसको कहा जाता है कोल्ड डिजर्ट है। अब यहाँ पर कोल्ड डिजर्ट में ये बोलता है हाईएस्ट कोल्ड डिजर्ट वो है सरफरंगा, इसका कंट्री आप चेक कर लीजिएगा। द सरफरंगा कोल्ड डिजर्ट रैली इज हेल्ड इन द शिगर, तो सरफरंगा भाई पाकिस्तान के अंदर है, ये जो नीचे वाला सवाल है ये कंटिन्यू सवाल है। द सरफरंगा कोल्ड डिजर्ट रैली इज हेल्ड इन द शिगर वैली ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, तो शिगर एक गिलगित बल्तिस्तान का प्रोविंस भी कहा जाता है, ठीक है। स्टोरी ऑफ द फर्स्ट क्रूसेड वाज रिटन बाय द एक बुक है, तो ये एक इंग्लिश बुक है, हेनरिच वॉन सैबल ने लिखा था। द कोरू स्पेस सेंटर लोकेटेड इन द फ्रेंच गुयाना, तो स्टूडेंट्स लेक्चर तो यहाँ पर एंड कर रहा था, लेकिन जो मैंने आपको बताई थी ना बात यूएसएस वाली, तो इसको फुल फॉर्म में यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स है, ठीक है। एंड सोवियत यूनियन का पता होगा कि 1991 में इसको एंड किया गया था, एंड इसकी एक अपनी एक अखबार भी छपती थी प्रावडा नाम करके, ठीक है। तो ओवरऑल आई होप कि आज का लेक्चर आपको जरूर पसंद आएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपने कमेंट में लिख लिया होगा कि आपको यूएसएस का फुल फॉर्म नहीं आता, तो उसके लिए मैं माजरत खाऊं, लेकिन मैंने इस वीडियो में बता दिया, इस वीडियो को एंड करके आखिर में मैंने सर्च की गूगल पर जो बात है, ठीक है। तो यूनियन ऑफ सोशलिस्ट, यूनियन ऑफ द सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, टेक केयर।